नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दो सांडों की लड़ाई में बागड़ का नुकसान। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है वार्ड क्रमांक 29 में, जहां के वार्ड पार्षद और नगर पालिका के उपाध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष बीच में इन दिनों ऐसी ठनी हुई है कि इस वार्ड में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बता दें कि जबकि दोनों ही उपाध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष एक ही पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके बाद भी इन दोनों में बिल्कुल नहीं पटती, जिसके चलते नुकसान उठाना पड़ता है क्षेत्र की जनता को। मोहल्ले की अगर हम बात करें तो वहां पर रोड पर पानी पड़ा हुआ है, जिसमें निकलना बड़ा ही मुश्किल है। विगत 3 दिनों से यहाँ पानी भरा हुआ है। ये कोई बारिश का पानी नहीं बल्कि नालियों का गंदा पानी है जो रोड पर आ गया है। इन रोड से निकलने वाले राहगीर गिरते पड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बच्चे स्कूल जाने के समय बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं। साथ ही मस्जिद पास में है, जब नमाज के लिए लोग वहां से निकलते हैं उन्हें भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है इसी गंदे पानी में। वहीं आवारा पशु भी घूम रहे हैं और वहीं बच्चे भी निकलते हैं। ऐसे में बीमारियों का बढ़ने का भी यहां पर अंदेशा बना रहता है। साथ ही इस पानी के बीचों बीच एक खंभा भी गड़ा हुआ है। बताया जाता है कि बारिशों में अक्सर इस खंभे में करंट आ जाता है। अगर खंभे का करंट पानी में आ जाता है तो इसमें एक बड़ा हादसा भी घटित हो सकता है। समय से परे है, इतने विकराल परिस्थितियों में लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्वच्छ भारत का, लेकिन अगर वार्ड क्रमांक 29 की बात करें तो यहाँ पर हालत बद से बदतर है और स्वच्छता यहाँ कोसों दूर है। जब हमने जानने की कोशिश की आखिर यहाँ पानी क्यों भर गया है, तो आगे देखा कि पानी निकासी के नाली गई हुई है। वहां पर लोगों ने मिट्टी डालकर उस नाली को पूर दिया है, जिससे पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं घर वाले भी बड़े परेशान हैं कि घर के अंदर कैसे जाएं। हालांकि लोगों ने अपना इंतजाम कर लिया है, लेकिन ऐसे में बीमारियां बढ़ रही हैं। वहीं इस वार्ड में कोई भी सफाई कर्मी आके सफाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते भी यह नालियां साफ नहीं हो पा रही हैं। देखना यह होगा कि हमारी खबर प्रसारित होने के बाद क्या नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में जो ठनी हुई है वो थोड़ी सी नरम पड़ेगी, या फिर वार्ड वासियों को इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा। हमने नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा जी से बात की। राजेंद्र सिंह सलूजा जी कहते हैं कि वार्ड क्रमांक 29 राजू यादव का है, जो कि नगर पालिका उपाध्यक्ष है। उनने ये कह दिया है कि जो अपना वार्ड 29 वार्ड है, उपाध्यक्ष के वार्ड में बिल्कुल भी काम नहीं होगा। इस समस्या को आप देख सकते हो, हम 4-5 दिन से बिल्कुल जीत रहे हैं सर, और उन्होंने क्लियर मना कर दिया उपाध्यक्ष के वार्ड में हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। नाली की समस्या है, बिल्कुल आगे जाके जाम हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हो रहा है। कलेक्टर में आवेदन दे दिया और निकल भी नहीं पा रहे हैं यहाँ से हम। इसमें हम ये कह रहे हैं सलूजा जी से, काम करवा दीजिए, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ा वो होगा कि नहीं। पूरी कॉलोनी की समस्या है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है, और ये दिनों दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, और इसके काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं पानी निकलने के, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। सलूजा जी से एक ही निवेदन है हमारा कि इसका निराकरण करवाएं, और जो वार्ड क्रमांक 29 है इसी का विकास नहीं हो रहा है। बाकी सभी वार्डों में देख कर खुद आया हूँ कि जगह जगह सही तरीके से व्यवस्थाएँ हैं, साफ सफाई है, बस इसी वार्ड में साफ सफाई नहीं है। अब कारण पार्षद भी हो सकते हैं हमारे वार्ड क्रमांक 29 के, जो नगर पालिका उपाध्यक्ष भी हैं। कारण तो यही बताया जा रहा है ज़्यादातर कि उनके वार्ड में कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि वो वार्ड क्रमांक 29 के, और 4000 की वोटिंग है यहाँ पर। अगर यही कंडीशन रही तो आगे जाके हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना कि उनको किसी प्रकार से वोटिंग करेंगे। रोड कब की पड़ी है, गुना में सारी सड़कें बन गई हैं, ये रोड नहीं बन रही है, ये नाली का पानी रोडों पर आ रहा है। नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद है बगल में, निकल नहीं पा रहा है, और यहाँ पूरे गंदगी हो रही है इस रोड की। ना अभी तक कोई पूछने आया, ना कुछ आता, तो चुनाव आ जाते हैं उसके बाद लोग पूछने आते हैं यहाँ पे जो समस्या आ रही है वो समस्या का निदान किया जाए। क्यों नहीं हो रहा निदान आपकी समस्या का? नगर पालिका अध्यक्ष जो
नगर पालिका उपाध्यक्ष उनके बीच में कोई विवाद है, उसके कारण इधर की सुनवाई नहीं हो रही इस रोड की, ना इस वार्ड में कोई काम हो रहा है। सारी नालियों में गंदगी भर रही है, सारी नाली चौके हैं, बरसात आ चुकी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंदर खाना भी रखा है प्रदीप, खाना और ले जाए। आप कहीं को भूल तक नहीं ना, अरे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं यार। कोई जी के देवा का जा रही है इस समय कोई भी नहीं, खाली पड़ी हुई है। सुबह कल से नदी भरी हुई है इधर पे ना, नालियों का पानी, लेटरिन बाथरूम का पानी भरा हुआ है। महिलाएं कह रही दीदी मैं बच्चे नहीं भेज सकती हूँ क्योंकि उस नदी में गिर जाएंगे ना तो लेटरिन बाथरूम के पानी से अस्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं भेज सकती हूँ। मेरा खाना और मेरा नाश्ता रखा है दलिया, आप फोटो निकाल सकते हैं। कोई भी नहीं आया अभी लेने के लिए, कोई भी नहीं आया। पानी कब से भरा हुआ है? कल से भरा हुआ है। शिकायत करी आप लोगों ने? शिकायत उधर पर करी है नगर पालिका में। समस्या से माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं लगभग पिछले 3 वर्षों से जब से मैं यहाँ से चुनाव जीता हूँ जब से बता रहा हूँ कि भाई साहब ये रोड मेरी और ये नाली ये काफ़ी दिक्कत आती है, बरसात में पानी भरा रहता है और ये भी नालियों में रोक लग जाती है, पूरी गरीब बस्ती है तो यहाँ से पानी का पूरा निकास था वो नाली बंद हो चुकी है। बार बार मेरे निवेदन करने पे भी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय मेरे वार्ड में कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा रहा है। उनका कहना ये रहता है कि कहीं ना कहीं मैं जो नगर पालिका में घोटाले हो रहे हैं या नगर पालिका एक्ट से हटके जो काम किए जाते हैं उनको मैं प्रशासन को अवगत कराता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि सच बोलना गुनाह है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, देश के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि कोई बेईमानी, कोई घोटाला, किसी भी तरह से अनियमितताएं कार्य में ना पाई जाएं, तो मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूँ कि सच बोलना ये गुनाह है, तो आवेदन मैंने बार बार किया है, माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया है, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो आगे चल के मेरा वार्ड पूरा नाराज है, पूरा भाजपा में ही वार्ड है, वार्ड वालों से चर्चा कर रहे हैं, वो उनका कहना क्लियर है कि इस बार हम बिल्कुल भाजपा को मतदान नहीं करेंगे। मैं उन लोगों को समझा भी रहा हूँ लेकिन आगे परिणाम जो भी हो मैं क्या कर सकता हूँ, और गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ चुकी है नगर पालिका क्षेत्र में। हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका फायदा उठाए, पार्टी संगठन को भी मैं बार बार अवगत करा रहा हूँ। अब देखो मेरी सुनवाई कब तक होती है, सुनवाई नहीं हुई तो वार्ड वालों को लेकर मैं अनशन पर बैठने की तैयारी में हूँ। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत नाबालिग वाल्मीकि समाज की लड़की के अपहरण के मामले में आज वाल्मीकि समाज के लोग एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही 12 तारीख को धरने पर बैठने की बात भी इस ज्ञापन के माध्यम से की गई है। वाल्मीकि समाज के प्रमुख व्यक्तियों की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे समाज की एक नाबालिग लड़की को एक युवक अपहरण करके ले गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने शहर कोतवाली के ASI राम शर्मा को दी। वहीं ना तो लड़का और ना ही लड़की को पकड़ने की अभी तक कोई कोशिश की गई है। वहीं आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर अपहरण की हुई लड़की एवं लड़के को बरामद करने की बात भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने की। यदि 11 तारीख तक लड़का और लड़की नहीं आते हैं तो 12 तारीख को वाल्मीकि समाज नगर पालिका गेट के सामने हनुमान चौराहे के नजदीक धरना करेगा। साथ ही इस धरने की जवाबदारी प्रशासन की होगी। साथ ही इस मामले में सिटी कोतवाली में 363 धारा में मामला अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जबकि घर वालों ने लड़के का नाम पुलिस को बता दिया है कि कौन उनकी लड़की को लेकर गया है। समस्या पर है कि जब नाम ज्ञात है उसके बाद भी अज्ञात में कायमी क्यों की गई। ये हमारे वाल्मीकि समाज के एक विनोद वाल्मीकि जो है उनकी पुत्री 3 तारीख सुबह 7 बजे से लापता है। पता करने पता लगा तो कोई जानकारी लगी आपको कहाँ कैसे गए? जानकारी होने के मुताबिक पता चला कि धर्मेंद्र यादव उसका अपहरण करके गुना से ले गए। अभी तक नहीं मिली वो? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ना कोई मिली। कितने दिन पता चला? 4 दिन। आपकी FIR भी हुई है? FIR हो चुकी है, उनको वो अभी मिली नहीं। तभी आप क्या चाहते हैं? आवेदन करना चाहते हैं, SP साहब से चाहते हैं कि जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो लड़की मिल जाए। जो बच्ची थी बालिक थी या नाबालिग? नाबालिग बच्ची।
17 साल की बच्ची है जी, इसके बाद में उन्होंने देखा कि दीदी घर पे नहीं गई। इसके बाद में बच्चे ने मेरे ने फोन लगाया कि पापा बड़ी वाली दीदी घर पे नहीं गई। इसके बाद में सामने काम पे से घोड़ के लिए सीधा घर के उड़ रहा था, पड़ा रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट डाली मैंने। पहले तो ढूंढने की कोशिश करी इधर आस पास में कहीं पर, फिर इसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट डालने के बाद में भी जो पर मन तक उनने की हम भी जांच कर रहे हैं, पुलिस वालों ने आप भी जांच करो। इसके बाद में हमने जांच पड़ताल के बाद में पता पड़ा हमको लड़के का नाम पता सब, उसका फोटो भी कोट वाली के अंदर हम दे के आए, और उसके बाद में लड़के का फोन नंबर भी दे दिया। उसके बाद में उनने कोई एक्शन नहीं लिया। आप क्या चाहते हैं? अपन ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची हमको मिला जाए को और लड़के का केस कर दिया। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार नरोजम। चने की फसल बेचने के बाद भी किसान हो रहे हैं परेशान। मोई ग्राम से आए किसान की बात माने तो 1 जून को उसने अपनी फसल को बेच दिया था, जबकि इसके बाद आज दिनांक था उसके खाते में पैसा नहीं आया है। वहीं ग्रामीण का आरोप है कि कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उसे पैसा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बोनी का सीजन चालू हो गया है, इसमें बीज खरीदने एवं खाद खरीदने के पैसे किसान के पास नहीं है। वहीं जब किसान दफ्तरों में चक्कर काट रहा है तो उसे ये बताया जा रहा है कि पैसा भोपाल से नहीं आया है। अब समझ से परे है कि पैसा ऊपर से नहीं आने में किसान की क्या गलती है। बोने के समय में अगर वो इस समय अपनी फसल नहीं बोएगा तो आगे क्या खाएगा। अभी तक देखा गया है कि किसान हर बार कुदरत की मार से परेशान होता था, वहीं इस बार किसान पैसे को लेकर परेशान है। अपनी फसल कैसे बोए उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट है। सर हमारे को एक खेत को माल तोला था चना का, हम परेशान हैं, मतलब बीज खाद लेने पेमेंट अभी 1 महीना से ज़्यादा हो गया, हमें पेमेंट नहीं मिल पा रहा। बोल रहे हैं कहीं भोपाल से आएगा, कहीं इंदौर से आएगा, कहीं कहीं से आएगा, तो भाई पैसा नहीं आ रहा। कितने दिन से आप पा रहे हो, कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? हम सर 2-4 दिन में 100 रुपये किराया लगा कर यहाँ पर आते हैं और ये बोल देते हैं तो वो पैसा नहीं आ रहा। कितना पैसा आया? पैसा अभी कुछ नहीं आया, हमारे जो रसीद है। कितनी राशि आना है आपको? पिताजी के नाम से आना थी 1,71,000, मेरे नाम से आनी थी सर 30,000। आरन मार्ग पर बजरंगगढ़ रोड में हनुमान मंदिर के पास 3 अज्ञात लोगों ने 2 युवकों के साथ लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कल रात 8 बजे के आसपास हनुमान मंदिर के समीप ही आबिद अपने मित्र के साथ पैसा लेकर आरन से गुना की तरफ आ रहा था, तभी रास्ते में उसे 3 अज्ञात लोगों ने रोककर मारना शुरू कर दिया। उसको इतना मारा कि उसके हाथ और पैर तोड़ दिए गए, वहीं उसका सारा पैसा लूट कर भी ले गए। आबिद बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जब आबिद वहां से भाग रहा था तो उन 3 अज्ञात लोगों ने उसे फिर से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। इसके बाद वह तीनों ही आरोन की तरफ फरार हो गए। आबिद की माने तो उसने एक व्यक्ति का नाम सुना। दोनों अज्ञात आरोपी नन्हे कहके पुकार रहे थे कि नन्हे जल्दी भाग यहां से। देखने लायक होगा कि इस अपराध की गुत्थी को कैसे सुलझाएगा पुलिस महकमा। मोटर साइकिल से आए, उन्हें लत दे लत देते नहीं, फिर मैं बाधा बहुत, फिर दोबारा उन्होंने मोटर साइकिल जोड़ाई, फिर उन्हें घटना आई ये मंदिर से थोड़े मुश्किल से 1 किलोमीटर आते और है ना, उन्हें मालूम थी थे पता नहीं बनियान में नोट भर रहा है पूरे, उन्हें बनियान में जितने नोट देते सब रहे 10-10 हज़ार की दत्ती 1,00,000 रुपया उन्होंने जो हेड़ लिया मेरा, और जो पीछे मेरी जेब में थे जो मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं हेड़ पाए, और हेड़ते नहीं तुरंत बदला है तीन ही जन उधर का इधर किधर की तरफ पगे उधर बदे आरोन तरफ आए थे इधर से जब तरफ से। कितने बजे की घटना है? 6:00 करीब 8 बजे फिर आप किधर की तरफ निकल गए? बहुत देर तक आपको भी ढूंढते रहे हम, मैं इधर की तरफ आया भत्ता हुआ
इधर इधर ही दोनों तरफ भी बहुत पेड़ भी इधर चला। चलते चलते फिर ना मैं बत्ते पे पहुंच गया, फिर वहाँ तो फिर मैं बत्ती नहीं रही तो बस वहीं पड़ा रहा। बता नन्हे बदले दो जनों ने आवाज़ दी थी उसे जो मेरे पैसे हड़ लिया था। हाँ जल्दी से बदले नन्हे बदले बस जेल। कौन थे? तीन जने थे। तुम लोग कौन? मैं हम दो जने थे। फिर रिपोर्ट हो गई है? हाँ रिपोर्ट हो गई। म्याना मार्ग इस समय हो रहा है खस्ता हाल, जरा सी बरसात होने पर भी ये रास्ता बंद हो गया है। वहीं बता दें कि ये रास्ता कोई छोटा मोटा आम रास्ता नहीं है, बल्कि ये रास्ता नेशनल हाईवे को ललितपुर उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। वहीं इस बीच कई गांव भी इसके रास्ते में आते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर कोई अधिकारी या नेता आकर इस मार्ग को देख के नहीं गए, विधायक से लेकर प्रभारी मंत्री, कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधि तक सब देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस रास्ते की अनदेखी क्यों की जा रही है यह समझ से परे है। बता दें कि यह रास्ता पहले से ही इतना खस्ता हाल था कि एक साल पहले से इसकी खुदाई करके रास्ता बनाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन एक तरफ की ही रोड डाली गई और दूसरी तरफ निकाल दिए सरिये, जिसकी वजह से कई ग्रामीण चोटिल भी हुए हैं। उसके बाद जब बारिश जरा से गिरी तो वहां पर दलदल सा बन गया है, जिसे देखते हुए कल एक गाड़ी उस दलदल में फंस गई। बताया जा रहा है कि टवेरा साइड देने के फेर में उस मिट्टी में धस गई थी, जिसे निकालने में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी। अभी 8 दिन पहले ही ग्रामवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि यह रास्ता बहुत ही खस्ता हाल है और इसको जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। धरनादा रुठियाई की सड़क ग्रामीणों के लिए बनी गले की हड्डी। इस क्षेत्र के ग्रामीण एवं बच्चे रोज यहां से पढ़ने एवं अन्य कार्यों के लिए निकलते हैं। वहीं एक 20 मिनट का रास्ता इनको लगभग 1.5 घंटे लगाकर पार करने को मजबूर हैं। धरनादा चौराहे पर ही जाम की परेशानी भी हमेशा बनी रहती है। यहाँ धरनादा, खिरिया, लक्ष्मणपुरा, चांदखेड़ा, गोंदलपुरा, खेजड़ा, गुरुजी, कोलाघेड़ी, राजस्थान से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्री भी एवं वाहन चालक परेशानी खड़ी करते हैं। वहीं बस कंडक्टरों की माने तो ये रास्ता इतना खस्ता हाल हो गया है कि अब किराया बढ़ाने तक की नौबत आ जाएगी, क्योंकि धरनादा से गुना की दूरी महज 32 किलोमीटर है, जबकि विजयपुर से साढ़ा चौराहे घूमकर जाने पर 15 किलोमीटर का अधिक चक्कर लगाना पड़ता है। इस कारण से किराए में बढ़ोतरी भी की जाएगी। ऐसा नहीं कि इस मार्ग के बारे में ग्रामीणों ने किसी अधिकारी से नहीं बताया है, सबसे गुहार लगाने के बाद भी ये मार्ग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। धरनादा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। आदर्श ग्राम भुलाए में इन दिनों महिलाओं एवं बच्चियों और गौ माता की पूजा कर बुलाई जा रही है बरसात। बारिश के आह्वान को लेकर यह नया तरीका सुझाया है आदर्श गांव भुलाए में। यहां श्रीराम गौशाला में महिलाओं, बच्चियों एवं शांति कुंज हरिद्वार से आए पर्यवेक्षक संतोष कुमार, दीदी रजनी पाठक द्वारा गौ माता एवं कन्याओं को भोजन करा के गौ माता से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द वर्षा हो जाए। साथ ही गाँव के आसपास के ग्रामीण भी इस तरह से ही वर्षा को आमंत्रित कर रहे हैं। Thank you.
धर्नादा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। राधोगढ़ क्षेत्र में पानी तेज हवा के चलते टूटे बिजली के खंभे एवं पेड़, रास्ते हुए पूरी तरह से बंद, सड़कों पर भी गिरे पड़े हैं पेड़ और खंभे, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। गांव में बिजली का संकट भी गहरा गया है, लोगों को अपनी मोटरसाइकिल उठाकर निकालनी पड़ रही है, जबकि कई मकान भी धराशायी हो गए हैं। आवन से सहारे से हेला गांव को के जाने वाले रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, वहीं मुसिया फिर भी परेशान हो रहे हैं। स्कूल से घर को आने वाले छात्र भी इस समय परेशान है कि कैसे वो घर पहुंचे। रावगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। राधोगढ़ जनपद कार्यालय के हाल इन दिनों बड़े बेहाल हैं। यहाँ पर गंदगी का आलम देखा जा सकता है, साथ ही जनपद के कर्मचारी ऑफिस के अंदर ही बैठकर मजे से सिगरेट के छल्ले उड़ाते नजर आ रहे हैं। साथ ही गुटखे का आनंद भी यहाँ पर लिया जाता है, जिसकी दीवारों पर साफ तस्वीरें देखी जा सकती हैं। मामला राधोगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय का है, जहाँ पर जगह जगह गंदगी का आलम है। दीवारों पर कागज का पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यहाँ पर थूकना एवं कचरा डालना मना है, लेकिन वहीं ये कागज के पोस्टर के नीचे ही थूकते हैं लोग। जनपद में कोई थूकने का पीकदान ना होते हुए इसलिए जनपद को ही पूरा पीकदान में तब्दील कर दिया है। ऑफिस में रखी गई फाइलें भी धूल खा रही हैं। फाइलों पर धूल इतनी चढ़ी हुई है कि वहां अगर देखा जाए तो एक परत धूल की निकल आएगी। साथ ही कर्मचारी मजे से छल्ले उड़ाते भी नजर आते हैं। यहाँ सिगरेट पीना तो आम है, इसके साथ ही गुटखा तंबाकू खाकर पूरी दीवारों को भी रंग दिया गया है। ऐसा लगता है कि मानो कि जनपद के कर्मचारियों को किसी का कोई भय नहीं है। शौचालय में भी इतनी गंदगी है कि वहां जाते ही तेज बदबू दूर से ही समझ में आ जाती है कि यहां ना जाएं तो ही बेहतर होगा। वहीं सीईओ मैडम की कुर्सी भी हमेशा खाली पड़ी रहती है और ऑफिस खुला रहता है। ग्रामीण जनपद सीईओ मैडम के पास अपनी समस्या को लेकर आते हैं और घंटों मैडम का इंतजार करके वहां से वापस चले जाते हैं। ऑफिस तो खुला रहता है, साथ ही पर्दा लगा रहता है, कुर्सी भी खाली ही दिखती है। मैडम ऑफिस से हमेशा रहती हैं गायब। वहीं जनपद के कर्मचारियों की खूब दादागिरी एवं मनमानी चल रही है। जनपद कार्यालय को लोगों ने पार्किंग स्थल बना के रखा है, जहां खड़ते हैं लोग अपनी मोटरसाइकिलें पार्क। न जाने कब सुधरेगी इस जनपद कार्यालय की दुर्दशा। रावगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। कुमरा क्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता को उसी के पति ने उस पर एसिड डालकर जलाने की कोशिश की, जहां से महिला आज जिला चिकित्सालय में रेफर की गई। युवती की मां की माने तो उसके ससुराल वालों ने ही बच्ची के ऊपर तेजाब डाल के उसका चेहरा जला दिया है। वहीं गंभीर हालत में बच्ची को जिला चिकित्सालय लेके आया गया है। पीड़िता की मां का यह भी आरोप है कि उसके देवर ने उसके साथ बलात्कार भी किया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, विवेचना शुरू कर दी है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ सिमरन? क्या हुआ तुम्हारे साथ? बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ दिया? भाई सर कौन है? ननंद है। मैंने कपड़े फाड़े 12 बजे कहीं खेला ही नहीं। क्यों करा ऐसा उन्होंने? क्यों करा ऐसा उन्होंने?
क्या नाम है देवर का तुम्हारे? ननद का नाम क्या? कब की बात है? फिर सुबह में वही वही घूमता है मेरे लास्ट पर चाची एक बार गई ससुराल में, उसका पति उसके साथ नहीं हुआ। वो उसने वो जाती थी ना, दो बार गई, दो बार ही नहीं बोल रहा था उसे, है ना, जलाया गया है उसके साथ, है ना। 5 दिन तक वो जली पड़े ना ससुराल में, किसी को पता नहीं, मल्ला में ही पता नहीं, घर वालों को ही पता नहीं है। उन्हें फोन लगा, उन्हें हमको फोन भी नहीं लगाया, फोन लगा के ना छींचा पड़ी, खड़ी से जल गई ऐसा बोला। और फिर उसके देवर ने उसकी इज्जत खराब की, रात को 12 बजे कंप्लीट फांसी कर दी। क्या क्या नाम है उन लोगों का? उनका नाम है, एक तो वो आयशा है, उसने तेजाब डाला है, और शहबाज है, उसको डाला है, इज्जत खराब की। साथ ही ससुर है, कौन ने डाला? उसकी नानी। नानी और है ना, उसका देवर है जी, पति उसी को अच्छा नहीं रखता, बोलता नहीं, दो बार पति का नाम क्या है? अरबाज। कहाँ के रहने वाले हो? कुमराज। और उसके ससुर का नाम ससुर भाई से हमें धमकी दे रहा है कि पुलिस में रिपोर्ट डाल दो, हमारे पास में नोटों में दम है। डीजेना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।